महाराज सहस्र अर्जुन, आप चिंता ना करें, आपके सामने हम सेना की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जिसको तोड़ना परशुराम के लिए असंभव हो जाएगा। नहीं, यह उचित नहीं होगा। इस नीति में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों महाराज, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। इस समय हमारी सुरक्षा से भी महत्वपूर्ण है परशुराम का वध। इस समय परशुराम की दशा उस चूहे जैसी है जो घर में अपने लिए अनाज ढूंढ रहा है। यह अनाज उसे मूषक पेटिका में दिया जाएगा। जैसे ही वो अनाज के लालच में आएगा हमारे जाल में फंस जाएगा और हम उसे बंदी बना लेंगे। महाराज, आपकी बात का तात्पर्य? मेरा अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। इस समय परशुराम केवल मुझे ढूंढ रहा है। जैसे ही वो मुझ पर आक्रमण करने आए उसे आने दिया जाए। जैसे ही वो हमारे घेरे में आ जाएगा हम उसे चूहे की भांति पकड़कर मार डालेंगे। महाराज, मैं आपका तात्पर्य अच्छी तरह समझ गया। हम इसी प्रकार व्यूह की रचना करेंगे। बेचारा परशुराम। परशुराम, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सहस्रार्जुन भी यही सोच रहा है। वो मुझे चूहे की भांति घेर कर मारना चाहता है। तुम लोगों में से जिनकी काया काठी मेरे समान है ऐसे 5 युवकों को मेरा रूप धारण करना होगा और एक एक करके उन राजाओं की सेना पर आक्रमण करना होगा। तुम में से जो भार्गव वीर मेरे रूप में आक्रमण करेगा वो आक्रमण करने के उपरांत वहां रुकेगा नहीं, वहां से भाग जाएगा ताकि सेना की टुकड़ी भी उसके पीछे भाग जाए। तदुपरांत मेरा वेश धारण किए हुए दूसरा वीर सेना की दूसरी टुकड़ी पर आक्रमण करेगा और वो भी उसी प्रकार भागेगा। इससे उनकी सेना में आतंक फैल जाएगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। उनके सैनिक ये समझ नहीं पाएंगे कि वो कहां जाएं और क्या करें। और ध्यान रहे, हमें उनके हाथों नहीं मरना है, हमें उन्हें मारना है। और कोई प्रश्न? नहीं, हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए। महाराज की जय हो। परशुराम ने अपने संदेश वाहक को कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर भेजा है। सावधान रहने की आवश्यकता है महाराज, हम परशुराम पर भरोसा नहीं कर सकते। हम है क्षत्रिय हैं। 4 पुत्रों के कटे हुए सर देखकर भी हम क्षत्रिय परंपरा को नहीं भुला सकते। संदेश वाहक का स्वागत है। वो संदेश वाहक चाहे हमारे शत्रु परशुराम का ही क्यों ना हो, उसी आदर से ही तंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। श्री राज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट सहस्रार्जुन की जय हो। औपचारिकता में समय नष्ट करने के स्थान पर वो संदेश सुनाओ जो परशुराम ने तुम्हें यहां देने के लिए भेजा है। महाराज, जमदग्नि पुत्र परशुराम ने यह संदेश भेजा है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता, मुझे केवल संदेश देने का आदेश था। कहां मिलना चाहता है? युद्ध क्षेत्र में। किंतु महाराज, मेरा संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा करो। महाराज, परशुराम ने यह भी कहा है कि आप उनसे मिलने आए।
किंतु अकेले। आपके साथ आपके सहयोगियों में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। संदेश पूरा हो गया? महाराज की जय हो, संदेश पूरा हो गया। आपने क्या निर्णय लिया है महाराज? हम सोच रहे हैं। मेरे विचार में तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए महाराज। महाराज, हम परशुराम पर विश्वास नहीं कर सकते। महाराज, आपके वहां जाने से संकट भी उत्पन्न हो सकता है। और हमारे ना जाने से क्षत्रिय गौरव का अपमान भी हो सकता है। क्षत्रिय गौरव के सम्मुख हमारे प्राणों का कोई मूल्य नहीं। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। परशुराम से कहो कि हमने उसकी विनती स्वीकार कर ली है, हम उसे मिलने अवश्य आएंगे। महाराज की जय हो। तुमने कदापि आशा नहीं की होगी कि मैं तुमसे भेंट करने आऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास था सहस्रार्जुन कि तुम आओगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम आओगे और अकेले आओगे। इस विश्वास का कारण? सहस्रार्जुन, मैं है इतिहास और परंपरा से भलीभांति परिचित हूं। तो ये कहो कि तुम्हें है क्षत्रिय एकता ने भयभीत कर दिया है। सहस्रार्जुन, मैं संसार में किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता। हाँ, कुछ बातें मुझे चकित अवश्य करती हैं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। सहस्रार्जुन, मुझे कभी किसी व्यक्ति का उत्थान चकित नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के उत्थान का कारण उसकी योग्यता है। जीवन में उत्थान उसी व्यक्ति का होता है जो उसकी क्षमता रखता है, परंतु उसी व्यक्ति का जब पतन होता है कार्तवीर्य, तब मैं चकित अवश्य रह जाता हूं, ये सोचकर कि उस व्यक्ति की वो योग्यता कहां लुप्त हो गई जो कभी उसके उत्थान का कारण बनी थी। मैं तुम्हारी कथा सुनने नहीं आया। कथा सुनाने तो मैं भी नहीं आया हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो अक्षरशः सत्य है। तुम एक तेजस्वी राजा थे, बलवान शासक प्रतापी नरेश, इतने तेजस्वी कि स्वयं भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तुम्हें सहस्र बाहुओं का बल दे दिया और तुम कार्तवीर्य से सहस्रार्जुन बन गए। तुम उस योग्य भी थे, परंतु फिर तुम्हारा पतन क्यों आरंभ हो गया कार्तवीर्य? कौन कहता है कि मेरा पतन आरंभ हो गया है? मैं आज भी चक्रवर्ती हूं, पूरे विश्व में मेरे यश का डंका बज रहा है। मैं आज भी उतना ही शक्तिशाली हूं। नहीं कार्तवीर्य, नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं हो। यदि तुम अपने मुख से कहना नहीं चाहते, तब भी इस बात को तुम्हारा मन भलीभांति जानता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं। आज तुमने मुझसे युद्ध करने के लिए समस्त है क्षत्रियों को एकत्रित किया है सहस्रार्जुन, ये जानते हुए कि मैं एक अकेला योद्धा हूं। ये तुम्हारी दुर्बलता का प्रमाण नहीं तो और क्या है?
किए हैं कार्तवीर्य कि तुम्हें अपनी दुर्बलता और उसके फल स्वरूप अपने पतन का कारण ज्ञात नहीं है। तुम्हें शक्ति मिली किंतु तुम उसे संभाल नहीं पाए। तुमने अत्याचार को वीरता माना। तुम्हें प्रताप मिला किंतु तुम अपना संतुलन खो बैठे। उसका परिणाम यह हुआ कार्तवीर सहस्रार्जुन कि आज तुम्हारा पतन तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। पतन क्या होता है परशुराम, यह तुम्हें उस समय ज्ञात होगा जब मेरा पांव तुम्हारी छाती पर और मेरा खड़ग तुम्हारी गर्दन पर होगा, और जब मैं युद्ध क्षेत्र में अपने खड़ग से तुम्हारा गला रेत रहा होऊंगा, तो उस समय मेरे मन में यही विचार होगा कि मैंने अपने चारों प्रिय पुत्रों के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य प्राप्त कर लिया है। वो नहीं होगा सहस्रार्जुन, वो तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने मेरे पिताश्री का वध किया था। मेरे माताश्री के प्राणों की हानि भी तुम्हारे ही कारण हुई थी। देवी अनामिका की मृत्यु के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। तुम ये सब जानते हो कार्तवीर सहस्रार्जुन, और तुम ये भी भलीभांति जानते हो कि तुम्हें इस सब का मूल्य चुकाना है, और तुम वो मूल्य युद्ध क्षेत्र में चुकाओगे। हे कार्तवीर, तुम ये सब यदि नहीं जानते तो मेरे बुलावे पर इतनी सरलता से नहीं आते। मुझे अब तक यह नहीं ज्ञात हो सका कि तुमने मुझे यहां आने का निमंत्रण क्यों दिया था। एक अवसर देने के लिए, केवल एक अंतिम अवसर। जो बात मैंने महारानी मृण्मयी से कही थी, यदि तुम वो बात मान लो सहस्रार्जुन, यदि तुम समस्त ऋषियों भार्गवों और विद्यार्थियों से क्षमा मांग लो, तो यह युद्ध टल सकता है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। इसका उत्तर तुम्हें कल यही मिलेगा परशुराम, इसी युद्ध क्षेत्र में।
इंटरव्यू बनाने जा रहे हैं। समझ रहे? एक एक सैनिक एक एक योद्धा का एक ही लक्ष्य होगा, परशुराम। वो जिस ओर से भी चक्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करे उसे घेर कर मार दिया जाए। यह इतिहास का बहुत ही अनोखा युद्ध होगा, एक ही व्यक्ति की मृत्यु और विजय। परशुराम किसी और से भी बचकर न जाने पाए। महाराज सहस्र अर्जुन, युद्ध क्षेत्र तो रिक्त है, यह कैसा युद्ध है? यहां तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है क्या भार्गव भय के कारण नहीं आएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। परशुराम, उठा नरेश, आक्रमण करो। मुझे परशुराम का वध चाहिए। आक्रमण, आक्रमण! Thank you.
ये परशुराम नहीं है, लौटाओ लौटाओ, ये परशुराम नहीं है, लौटाओ। तुम सत्य कहते हो सहस्रार्जुन, परशुराम वो नहीं, परशुराम तो मैं हूं। अब उठाओ अपने शस्त्र और दिखाओ अपनी सहस्र बाहुओं का बल।
अपने आश्रम संस्कृति जीवित रहे, गुरुकुल परंपरा नष्ट ना हो, आचार्य और शिष्य के संबंध शिक्षा का आधार और माध्यम बने रहे, इसलिए है कार्तवीर्य सहस्राजुन, मैं जमदग्नि और रेणुका का पुत्र परशुराम तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। शंभो सरोवर बना दूंगा, मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आज उन क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण कर रहा हूं। इस क्षण के उपरांत मेरा अभियान समाप्त हो गया है, परशुराम एक इतिहास बन गया है माता, परशुराम एक इतिहास बन गया, वो इतिहास जो मानव को यह बताएगा कि अत्याचार का विरोध ना करना अत्याचार को सहयोग देना है। हे ब्रह्मा, हे शिव शंभो, परशुराम ने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया, मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। हे सर्वेश्वर, ये दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूं कि कोई पुत्र अपने माता पिता का तर्पण जल के स्थान पर रक्त से कर रहा है। यदि ये परंपरा बनी तो मानव का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा? महादेवी, यह दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है, परंतु तनिक सोचिए उस पुत्र की मनस्थिति क्या होगी जिसके माता पिता, मित्र, आचार्य और एक निर्दोष कोमल कन्या को निर्ममता से मार दिया गया हो। मैं भी यही समझती हूँ कमल नयन, कि सारा किया धरा सहस्रार्जुन का है, उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है, परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्रार्जुन को सहस्र बाहुओं का बल आप ही ने प्रदान किया था ना? हाँ महादेवी, पर सहस्र बाहुओं का बल मैंने उसे क्यों दिया था ये तो वो भी जानता था और आप भी जानती हैं। मानव की यही दुर्बलता है महादेवी, कि वो कभी कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी, कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए और मुझे हस्तक्षेप करना पड़े। मैं भी यही कह रही थी जगदीश्वर, मानव को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, जीवन के नियम बताए, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उजाले अंधेरे की पहचान करा दी, उसे हर रूप से संपूर्ण बनाया, फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है? महादेवी, जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता,
उसी प्रकार समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी मानव अपनी ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है, और फिर जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब आपका हस्तक्षेप न करना असंभव हो जाता है। हाँ महादेवी, और फिर मानव की आत्मा से दुखी पुकार उठती है जिसे सुनकर मैं अपने पग रोक नहीं पाता। कमल नयन, आप पग नहीं उठाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आत्मा की दुखी पुकार परमात्मा न सुने तो मानव की आस्था टूट जाएगी, विश्वास चूर चूर हो जाएगा, तम और अन्याय की शक्तियों की विजय हो जाएगी। मानव की तो आप संकट मोचन हैं, सहायक हैं, अंतिम आश्रय हैं। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया देवेश्वर। अंत हुआ अन्याय का, पूर्ण हुआ अभियान, यही दंड है पाप का, ले हर कोई जान। जीवन में निर्दोष की कभी न लेना हार, दुखिया मन की हाय से सारा जग जल जाए, सारा जग जल जाए।